हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे से? मैं भी अच्छे से हूँ, है ना। और कैसा चल रहा है सब? आप लोग का काम वाम बढ़िया? कोई जल्दी तो नहीं ना? नहीं है। चलिए, मैं भी अच्छे से हूँ। आप सबको अपने हाल चाल बताती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ गर्मा गर्म नाश्ता, जो आपका बहुत ही झटपट तैयार हो जाए। इतना ईजी है बनाना कि आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। ये है ब्रेड का सैंडविच, या ब्रेड के कटलेट, या बेसन की कटिंग, जो भी आपका नाम अच्छा लगे। आप जो है उसको सोच करके मैं बनाने जा रही हूँ, और नाम आप इसका हमें बताइएगा कि क्या रखें, है ना। तो चलिए चलते हैं, काम शुरू करते हैं। ये मैंने ब्रेड ले रखी है 2 पीस। ये है बेसन, जिसको मैंने निकाल लिया है। ये बेसन आपको बता दें 1, 2 और 3 चम्मच है करीबन, है ना। अब इसी में हम थोड़ा सा जीरा और हींग डालेंगे। ये थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। थोड़े से ये चिली फ्लेक्स हैं, अच्छे लगेंगे बच्चों को, बड़ों को, सबको अच्छे लगेंगे। ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हर चीज़ की मात्रा बहुत ही कम कम डाली है मैंने, नमक स्वाद के अनुसार। और इन सब का एक बैटर बनाएंगे। सिंपल काम है, पानी से एक पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और बैटर को अच्छे से फेटेंगे। आपके पास फेटने वाला हो तो आप उससे फेटिएगा, चम्मच से फेट सकते हैं, हाथ से फेट सकते हैं, जैसे भी आपका दिल करे, जो आपको काम करने में सुगमता हो, यानी कि आसानी हो, उस तरीके से आप अपना काम करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ हम लोग दिखाएं कि आपको उसी से फेंटना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। आपको जिससे सही लगे आप उससे अपने काम को कर सकते हैं। ये देखिए बैटर मेरा अच्छे से हो गया है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा हमको और करना पड़ेगा। तो 2 चम्मच पानी और डाल देते हैं, कि बहुत गाढ़ा भी नहीं ठीक है बैटर। इसको जो है ना ब्रेड के पकौड़े भी कहते हैं, लेकिन पकौड़ों के अंदर आलू नहीं भरी है, इसलिए ये सिंपल ब्रेड के बेसन वाले पकौड़े कह सकते हैं, है ना। इसीलिए मैंने आपको ढेर सारे नाम बता दिए। अब आप ही हमको सजेस्ट करके बताइएगा कमेंट में क्या नाम हो सकता है ना इसका। ये सब चीज़ें जो है ना मेरी माँ ने बनाती थी हम लोग के लिए, जब सुबह सुबह टिफिन देना है या झटपट नाश्ता देना है, स्कूल की जल्दी हो रही है या पापा को ऑफिस जाना है, ऐसी भागम दौड़ की लाइफ में फट फट क्या बन जाए वो अब माँ का सीखा है, तो मैंने सोचा आपको भी सिखाते हैं। अब ये ब्रेड लिए ना, ब्रेड को ऐसे ट्रायंगल में काट लिया, ठीक है, बस हो गया काम। चलते हैं, गैस ऑन करते हैं और कढ़ाई गर्म। गैस ऑन कर दिया है, ये देखिए, और कढ़ाई भी रख दी गर्म होने के लिए, है ना। ये देखिए, और इसमें ऑयल डालते हैं। जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक हमारा ये हो जाएगा। देखते हैं ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। ये देखिए, जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम इसको तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और बहुत ही हल्के हाथों से इसको उठाना है। इसको उठाने में जरा भी हमें वो नहीं करना, वरना ये बीच से टूट जाएगा। और इसको बहुत ही सावधानी के साथ अंदर रख देंगे। बहुत बस यही एक काम है जिसको करने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, कि बहुत ही प्यार से उठाना है, बहुत हल्के से, क्योंकि जैसे ही ब्रेड इसमें जाता है ना, ये देखिए, जैसे ही जाएगा ब्रेड इसमें, तुरंत ब्रेड जो है बहुत सॉफ्ट हो जाता है ना। ये देखिए, बस सावधानी से बस आपको बचा के इसको ऐसे रखिए, बस इतना सही काम है।
देखिए जीरा मिर्चा जो मैंने डाला है ना थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको सब नजर आ रहा है ना, और खाने में जब इसका क्रंच आएगा मुंह में ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। ये देखिए हमने एक बार इसको अलग पलट कर दिया है, ठीक है, और इसको बार बार टच नहीं करेंगे, है ना, थोड़ा सा जब पक जाएगा तब फिर एक बार पलट के निकाल के दिखाएंगे आपको कैसा बना। ये देखिए गर्मा गर्म क्या अच्छे से पक रहे हैं ना। अब एक बार हम पलट के देखें आप लोग सामने, ये देखिए एक बार और इसको हम थोड़ा सा पलट देते हैं और ये जो है लगभग तैयार हो गए हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसको प्लेट में निकालते हैं, गैस को सिम कर देते हैं, फिर उसके बाद अगला डालेंगे, लेकिन आप लोग के लिए खाने के लिए फटाफट मैंने बोला था झटपट तैयार हो जाएगा, इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा जो आपको बोला था। तो आप घड़ी देखते जाइए, 5 मिनट के भी अंदर आपका ये ब्रेकफास्ट जो है तैयार हो जाएगा, और सरल इतना कि बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये देखिए गर्मा गर्म फटाफट तैयार होने वाला ये नाश्ता है, देखिए मिनटों में तैयार होगा। आपने गौर किया होगा 5 मिनट भी शायद इसको बनाने में पूरा नहीं लगा होगा, इतनी जल्दी बन के तैयार होने वाला था। सुबह की भागदौड़ की जिंदगी में आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद, अच्छा और टेस्टी भी, सबको पसंद है ऐसा नाश्ता बन के तैयार हुआ, ब्रेड के पकौड़े, ठीक है। आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को कविता देसी किचन जिसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं अच्छे अच्छे नाश्ते की रेसिपी, ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो जल्दी हो जाए आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करती रहूँगी, और अच्छे अच्छे आपको अपने जो भी वीडियो हैं खाने से संबंधित सब आप लोगों को देती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और प्यार बनाते रहिए इसी तरीके से, जिससे कि मैं आगे बढ़ते रहूँ आप सबके साथ हमेशा रहूँ। थैंक यू। कविता देसी किचन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।